आइए हम देखते हैं कि क्रमागत पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास की गणना करते हुए क्रियात्मक प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। एक औद्योगिक संस्था के अग्रलिखित वर्णन से सन 2016 व 2017 का एक यंत्र खाता बनाइए। पहला, 1 जनवरी 2016 को यंत्र व कल खाते का नाम शेष 26,840 रुपए था। दूसरा, चालू वर्ष के प्रारंभ में एक यंत्र जिसका बही में मूल्य 1,286 रुपए था, 600 रुपए में बेच दिया गया। तीसरा, 1 अप्रैल 2016 को 5,880 रुपए में एक नया यंत्र क्रय किया गया व इसके स्थापना में 216 रुपए का व्यय किया गया। 1 जुलाई 2016 को 10,000 रुपए का अतिरिक्त यंत्र खरीदा और उसको लगाने में 1,000 रुपए व्यय हुआ। व्यापारिक चलन के अनुसार अतिरिक्त मशीनों पर 10% तथा पुराने यंत्र पर 15% क्रमागत विधि से हास काटे जाने की प्रथा है। इस प्रश्न में जो नए पॉइंट्स दिए गए हैं वो हैं, एक तो दो मशीन इसने परचेस की 2016 में और फिर 17 में। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी दी गई है कि व्यापारिक चलन के अनुसार अतिरिक्त मशीनों पर, यानी कि वर्ष के मध्य में जो भी मशीन खरीदी गई उन पे 10% और पहले जो पुराने मशीन है, यानी कि करंट ईयर में जो मशीनरी खरीदी गई है उस पर 10% और उसके पहले जो पुराने यंत्र खरीदे गए थे उस पे 15% क्रमागत विधि से हास काटना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2016 का अकाउंट बनाएंगे जिसमें एक तो पुरानी मशीन का बैलेंस दिया गया है, कभी हम उसको खरीदे रहे होंगे, अब उसका बैलेंस ट्रांसफर होके आ रहा है 1 जनवरी 2016 को, तो उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 26,840। लेकिन मार्किंग हमको यहाँ पर करना पड़ेगा कि ये हमारी फर्स्ट मशीनरी है, तो हम इसको फर्स्ट लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं कि चालू वर्ष के प्रारंभ में एक यंत्र जिसका बहियों में मूल्य 1,286 रुपए था, 600 रुपए में बेच दिया गया। तो यहाँ पर हमको बेचना है तो हमको 1 जनवरी को बेचने की भी एंट्री करनी है, 2016 January 1st बाय कैश अकाउंट 600। फिर हमको नया पॉइंट दिया गया है कि 1 अप्रैल 2016 को, अभी हम 16 में ही चल रहे हैं, जनवरी से हम स्टार्ट किए हैं अप्रैल तक पहुंचे हैं, 1 अप्रैल 2016 को एक नया यंत्र खरीदा गया है 5,880 रुपए में और इसकी स्थापना पर व्यय किए गए 216 रुपए। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर मान सकते हैं कि हमने 6,096 रुपए की एक और मशीनरी खरीदी है। अब हमको 2016 में ही बहुत सारे एडजस्टमेंट करनी पड़ी। एक तो हमने 1 जनवरी को एक मशीन बेच दी 600 में, फिर हम यहाँ पर जब हम मशीनरी बेचेंगे तो उस डेट पे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे कि इसको जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उस पे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चालू वर्ष के प्रारंभ में एक यंत्र जिसका बहियों में मूल्य 1,286 रुपए था, 1,286 रुपए के मूल्य की जो मशीनरी थी वो 686 रुपए में, वो मशीन 600 रुपए में बेच दी गई। यानी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि चालू वर्ष का प्रारंभ लिखा गया है, यानी बेची गई मशीन पे कोई भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चालू वर्ष का प्रारंभ था, 1,286 रुपए की मशीनरी थी, 600 रुपए में वो मशीनरी बिक गई। यानी साफ हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 686 रुपए का यहाँ पर हमको लॉस हुआ है, और क्योंकि जब लॉस होता है तो हम जनरल एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट और मशीनरी अकाउंट, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको लिख देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे तो हम नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और 1216 - 600 यानी 686 रुपीज हम इसके अमाउंट कॉलम में लॉस को लिख सकते हैं। फिर हम 2016 में ही देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2016 को ये जो नया यंत्र था 5,880 और स्थापना पर व्यय किए गए 216, यानी कि टोटल 6,096 रुपए यहाँ पर की एक मशीनरी हमने खरीदी है, तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में कर देंगे टू कैश अकाउंट 6,096। और अब हम चलते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। हमारे पास यहाँ पर जो मशीनरी है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन मशीनरी है, एक जिसका कि हम बैलेंस ट्रांसफर किए थे, दूसरी मशीनरी जो हमने 1 अप्रैल को परचेस की थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास
अभी फिलहाल दो मशीन है। एक मशीन जिसका एक पार्ट हमने बेच दिया है और कुछ हिस्सा बचा हुआ है, दूसरी मशीन जो कि हमने 1 अप्रैल को नई खरीदी है। तो 31 दिसंबर को जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे तो इन दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मशीन जिसका बैलेंस 26,840 है, इसमें से हमने 1,286 रुपीज की मशीनरी माइनस कर देंगे क्योंकि हम उसको बेच चुके हैं। अब मशीनरी बची है 25,554 और इसमें से हमको, क्योंकि ये जो मशीनरी है ये ओल्ड मशीनरी है क्योंकि हमने इसको खरीदा नहीं है करंट ईयर में, हमने इसका बैलेंस ट्रांसफर कर करके हम यहाँ तक लाए हैं, जबकि अब ये मशीन बची है 25,554 रुपीस की। इस पे हम यहाँ पर 15% जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमको ओल्ड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मिलता है 25,554 × 15% यानी 3,833 रुपीस। ये ओल्ड मशीनरी का 15% हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। और जो न्यू मशीनरी हमने परचेस की उस पे हमको लगाना है 10% डेप्रिसिएशन। तो ये मशीन हमने कब परचेस की? 1 अप्रैल को। और हम क्लोज कब कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट? दिसंबर को। यानी अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 10% हमको कैलकुलेट करना है 6,096 रुपीस पे, जो कि आ जाएगा हमारा 610। अब क्योंकि हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां दिया गया है कि व्यापारिक चलन के अनुसार अतिरिक्त मशीनों पर 10% तथा पुराने यंत्रों पर 15%, यहाँ पर 15% प्रति वर्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यही कारण है कि हमको यहाँ पर मंथली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि पूरा एक साल का डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। जहां पर दर के साथ प्रति वर्ष शब्द दिया गया होता है वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने महीने मशीन हमारे पास रही, लेकिन जहां प्रति वर्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होता वहां पर हम पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 6,096 का 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक राउंड फिगर में हम यहां पर 610 लिख लेते हैं। अब हम निकालेंगे बैलेंस 31 दिसंबर 2016 का बैलेंस। दो मशीनरी है हमारे पास, एक पुरानी वाली जिसे हमने फर्स्ट कहा है और एक नई मशीनरी जो हमने परचेस की है सेकेंड मशीनरी। तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस जो है उसमें से हम फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट मशीनरी 25,554 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बैलेंस हमको यहाँ पर 21,721 मिल जाएगा। और दूसरी जो मशीन हमने परचेस की है 6,096 रुपीस में, उसमें से हम दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन 610 अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमको बैलेंस मिल जाता है 5,486 और टोटल हम यहाँ पर इसका बैलेंस लिख लेंगे 27,207। 2006 का ये बैलेंस हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और 2017 में हम इसको ट्रांसफर करके ओपनिंग बैलेंस लाते हैं 1 जनवरी को टू बैलेंस BD 27,207। 1 जुलाई को फिर हमने एक और मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपीज की और उसको एस्टेब्लिश करने में हमने 1,000 रुपीज एक्सपेंस किए हैं, तो ये टोटल 11,000 हो जाता है। अब हमारे पास तीन मशीन है। पहली जो दो मशीनें हैं उनका बैलेंस है 21,721, सेकेंड मशीनरी का बैलेंस है 5,486 और नई मशीनरी हमारे पास है 11,000 की। तो ये तीन मशीन हमारे पास है। अब हमको इनका फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है क्योंकि हम घटती किस्त पद्धति से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, इसलिए हम पुरानी मशीन जो कि 2016 की थी वो 2017 के लिए पुरानी मशीन हो जाएगी। तो इस पुरानी मशीन पर हम 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 21,721। इस पे हम जब 15% डेप्रिसिएशन निकालेंगे और दूसरी हमारी जो मशीनरी जिसका बैलेंस है 5,486 इस पे हम 15% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो जाता है 4,081 रुपीस। और फिर थर्ड मशीनरी जो हमने परचेस की है 1 जुलाई को, उसका डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो 11,000 की मशीनरी है, 10% डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है,
यहाँ पर हम जुलाई टू दिसंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है, यानी 11,000 का पूरा डेप्रिसिएशन 10% 1100 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मशीन नंबर 3 है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन मशीनरी है, तीनों के बैलेंसेस से हम तीनों के डेप्रिसिएशन को माइनस करते जाएंगे तो ये हमारा बैलेंस मिलेगा हमको यहाँ पर ओवरऑल 33,026 रुपीस। और फिर हम इसको 1 जनवरी 2018 को ट्रांसफर करके इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जब संपत्ति को बेचा जाता है अथवा बेकार हो जाने पर इसका त्याग कर दिया जाता है तो इस पर संचित कुल हास की राशि को निम्न प्रविष्टि द्वारा संपत्ति खाते में क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस समय प्रविष्टि की जाती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इस प्रविष्टि को करने के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का शेष उन संपत्तियों के संचित हास को प्रदर्शित करेगा जो प्रयोग में आ रही है अथवा बेची गई नहीं है। इस विधि के अंतर्गत पुस्तकों में हास के संबंध में निम्न लेखा विधि अपनाई जाती है। पहला, संपत्ति के क्रय करने पर ऑन परचेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग एसेट्स परचेस। सेकंड, संपत्ति पर हास डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड, वर्ष के अंत में हास को हस्तांतरित करने पर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड ऑन रिटर्न ऑफ। फोर्थ, संपत्ति के विक्रय पर ऑन सेल ऑफ एसेट्स कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें हम अमाउंट लिखेंगे कैश रिसीव्ड की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इसमें हम अमाउंट लिखेंगे डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसमें हम लिखेंगे फॉर लॉस इफ एन, टू एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स सोल्ड। एक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2014 को एक पुराने यंत्र 4,00,000 रुपए में क्रय की तथा मरम्मत पर 80,000 रुपए एवं स्थापना पर 20,000 रुपए क्रय किया। 1 अक्टूबर 2017 को उक्त संयंत्र अप्रचलित हो जाने के कारण 2,00,000 रुपए में बेच दिया गया। हास मूल लागत पद्धति पर 10% वार्षिक की दर से लगाया गया। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। यह मानते हुए आवश्यक खाते तैयार कीजिए कि पहला, हास प्रावधान खाता नहीं रखा जाता है तथा दूसरा, हास प्रावधान खाता रखा गया है। इस प्रश्न में हमको दोनों ही विधियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक खाते तैयार करने हैं, यानी कि हमको यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दो कंडीशन में बनाना है, एक तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं तो, और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्म मेंटेन करती है तो फर्स्ट कंडीशन, जबकि हास प्रावधान खाता नहीं रखा जाता, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, इस कंडीशन में जब हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे तो पहले तो हमारे सारे एंट्रीज सिंपल रहेंगी। फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक अकाउंट 4,00,000, और क्योंकि ओवरऑलिंग एंड इंस्टॉलेशन पे हमने 1,00,000 एक्सपेंस किए हैं तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5,00,000। 31 दिसंबर 2015 को हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 10% पर एनम कैलकुलेट करना है, तो 5,00,000 का टोटल 10% हम कैलकुलेट कर देते हैं 50,000। बैलेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 5,00,000 माइनस 50,000 तो 4,50,000 हो जाएगा। अब इस 4,50,000 का ये जो बैलेंस था 31 मार्च को, इसको हमको ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2015 के लिए लाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस बीडी रुपीज 4,500। और फिर 31 मार्च 2016 को हम क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हम यूज कर रहे हैं तो फिर से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च by depreciation account 50,000, और फिर हम इसका बैलेंस निकालेंगे by balance CD 4,00,000 रुपीज से हम इसको क्लोज कर देंगे।
फिर ये जो 4 लाख का बैलेंस है ये 31 मार्च 2016 का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम 2016 फर्स्ट अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस मानेंगे और डेबिट साइड में हम ट्रांसफर कर लेंगे टू बैलेंस BD ₹4 लाख। थर्ड ईयर में फिर से हम इसको 1 ईयर का यूज करने के बाद हम बंद करेंगे, तो 2017 में यहाँ पर हम लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। और फिर बैलेंस हम ट्रांसफर कर लेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस AD 3,50,000। 3,50,000 का जो क्लोजिंग बैलेंस है 2017 के लिए उसको हम ट्रांसफर करेंगे 2017 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस BD 3,50,000। और फिर 2017 से हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 17 में ही हमको इस मशीनरी को बेचना है, 1 अक्टूबर 2017 को हमको इस मशीनरी को बेच देना है 2 लाख रुपए में। तो क्रेडिट साइड में हम इसको लिखेंगे अक्टूबर 1 बाय बैंक 2 लाख। डेप्रिसिएशन हम इसमें कैलकुलेट कर लें क्योंकि अप्रैल की मशीन है, बैलेंस है हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को ही बिक जा रही है मशीन, तो सितंबर तक का बैलेंस लेंगे। दूसरी बात, हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से चल रहे हैं, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग 50,000 का हाफ डेप्रिसिएशन यानी 25,000 हमारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और इसको हमने यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि 2 लाख रुपए में हमने इसको बेचा है, ये जो मशीनरी थी ये थी 3,50,000 की 1 अप्रैल को, इसमें से अगर हम 25,000 डेप्रिसिएशन इसका माइनस कर दें तो जिस दिन ये मशीन बेची गई उस दिन इसकी वैल्यू हो जाएगी 3,50,000 माइनस 25,000 यानी 3,25,000। 3,25,000 की मशीनरी को हमने 2 लाख में सेल कर दिया, यानी 1,25,000 जो है वो हमको जो बैलेंस की जो अमाउंट आती है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, यानी ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने इस मशीन को बेचा तो हमको लॉस हुआ है। तो ये तो वो कंडीशन थी जबकि हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमको मेंटेन नहीं करना है। दूसरा मेथड हमको इसमें अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है जबकि हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या अंतर आ जाता है ऐसे कंडीशन में। ऐसे कंडीशन में हमको ये ध्यान रखना है कि बाकी एंट्रीज तो सेम होगी लेकिन पर ईयर हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम प्लांट अकाउंट में नहीं लिखेंगे बल्कि हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से एक अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम प्लांट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 2014 फर्स्ट अप्रैल और टोटल 5 लाख हम लिखेंगे और टोटल 5 लाख बैलेंस हम इसका 31 मार्च 2015 को ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम 1 अप्रैल को 5,000 बैलेंस लिखेंगे, वापस ले आएंगे 1 अप्रैल 2015 को और फिर हम इसको 2016 को हम यहाँ पे बैलेंस करके क्लोज कर देंगे। और ऐसा ही हम 2016 के लिए भी करेंगे, डेबिट साइड में 1 अप्रैल को बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे 5 लाख का और फिर से बैलेंस इसका ट्रांसफर कर देंगे 5 लाख का और क्लोज कर देंगे। यहाँ हमारी जो मशीन है 5 लाख की, उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो रही है, कोई मूल्यह्रास नहीं हो रहा है क्योंकि हम मूल्यह्रास खाता यहाँ पर बना ही नहीं रहे, अलग से हम मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि अभी भी 2017 में भी जो बैलेंस है वो 5 लाख का है। अब जैसे कि हमने देखा कि 1 अक्टूबर को ये जो मशीनरी है 5 लाख की वो 2 लाख में सेल हो गई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि पिछले पॉइंट में हमने देखा, और फिर जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि 3 साल तक हमने 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। अगर हम फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं तो भी हमको पता चल जाएगा और अगर हम अलग से कैलकुलेशन करते हैं तो भी हम देख रहे हैं कि 2014 में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 50,000 का, 2015 में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 50,000 का, 2016 में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 50,000 का और 2017 में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 25,000 का, यानी टोटल हमने इतने साल में 1,75,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,75,000। और अब देखते हैं कि लॉस या प्रॉफिट कितना यहाँ पर आता है, तो ये 5 लाख की मशीन हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें से हमने 1,75,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी कि ये मशीन हमारी 3,25,000 की बची।
अब हम देख रहे हैं कि 3,25,000 के मशीनरी को हमने 2 लाख में सेल कर दिया, यानी 1,25,000 हमको जो है यहाँ पे बैलेंस मिलता है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और अब सेकेंड कंडीशन, यानी कि वो कंडीशन जबकि हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम डेबिट साइड में लिखते हैं 2015 31 मार्च बैलेंस 50,000, क्योंकि हमने, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000, और इस बैलेंस को 31 मार्च 2015 में ट्रांसफर करके 50,000 से क्लोज कर देंगे। फिर 2016 के लिए इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी रुपीज 50,000, और ये पिछले साल का बैलेंस है जो हमने लाया मशीनरी का, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 50,000, वो दोनों मिला के डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी यानी कैरेट डाउन 1 लाख। 2016 तक हमने 31 मार्च तक हमने सॉल्व कर दिया। अब 2017 1 अप्रैल के लिए फिर हम बैलेंस लाएंगे जो 2016 मार्च से ट्रांसफर करके वो 1 लाख है, और करेंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3 साल तक लगातार वो 50,000, मिला के 1,50,000 का टोटल होता है, जिसको कि हम डेबिट साइड में 2017 में मार्च 31 करके बैलेंस करके बंद कर देंगे। 1.5 लाख रुपए का बैलेंस हमको दिखाई दे रहा है। अब ये बैलेंस हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे 2017 में अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 1,50,000, और डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम लिखेंगे 25,000, और टोटल 1,75,000 से इसको हम क्लोज कर देंगे।